अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने बना लिया है। लहसुन मैंने रात को छीला था, अदरक अभी जल्दी से छील के इसका पेस्ट भी मैंने देखे रेडी कर लिया। इसमें मैंने सिर्फ थोड़ा सा पानी डाला है और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल के शामिल किया ताकि इसका कलर जो है ना सेम रहे। अब ये थोड़ी सी चटनी मैं बनाने लगी हूँ। ये इसमें मैं डालूंगी हरी मिर्चें, 2 टमाटर, ये चॉप किया हुआ मेरे पास धनिया है, ये पुदीना है और साथ में 2 अदद मैं प्याज डालूंगी। ठीक है, ये देखिए सब चीज़ें जी रेडी है, प्याज, हरी मिर्चें, टमाटर, धनिया, पुदीना, ये सब चीज़ें डाल के नमक के साथ ये मैं इसमें ब्लेंड कर लूंगी। थोड़ा सा पानी डाल के, वैसे ज़रूरत तो नहीं है पानी की, ये वैसे ही हो जाएंगी। पहले जो मैंने ये इसमें बनाई थी ना, ये मैंने चॉपर में बनाई थी, ठीक है, अभी पड़ी हुई है, देखें इसके अंदर। ये देखें जी, ये चट्टी की शक्ल है, इसे थोड़ा मोटा मोटा रखना है, इसे पानी नहीं डालना, टमाटर और प्याज का अपना पानी हो तो उसी में ये ब्लेंड हो जाती है। ये देखें, ये बगैर दही के भी खाई जाती है, बहुत मज़े की और टेस्टी बनी है ये।